हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताते कि पैनासोनिक वीडीपी और एपिक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। तो इसके लिए कौन से आइटम क्या क्या है वो आपको बताते। तो जो ये है अपना पैनासोनिक का वीडीपी अडैप्टर है, ठीक। ओके, ये अपना स्क्रीन रहेगा पैनासोनिक का, ये आउटडोर रहेगा पैनासोनिक का। ओके, अब ये पैनासोनिक का रिले है जो आपको लॉक को अनलॉक करने के लिए देता है, ठीक है। तो अभी आपको बताते कनेक्शन किस तरह से होता है। तो पहले है ये जो आपका वीडीपी अडैप्टर है, तो नॉर्मली आपको यहाँ से प्लग इन करना है। ओके, और उसका आउटपुट जो है वो आपको डीसी आउट यहाँ से कनेक्शन देना है। उसमें ऑरेंज कलर का जो है कनेक्शन वो पॉजिटिव है और ब्लू कलर का कनेक्शन है वो जो नेगेटिव है, जो आपके वीडियो डोर फोन की स्क्रीन में जाएगा। वीडियो डोर की फ़ोन की स्क्रीन के अंदर जाने के बाद आपको ये जो बॉक्स है उसको ओपन करना है। इसके बैक पोर्शन में आपको प्लस माइनस देना है। ध्यान रहे, यहाँ पे नोटेशन दिया है, इसके हिसाब से आपका प्लस, ये आपका प्लस रहेगा ऑरेंज कलर का और ये ब्लू कलर का वो माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आपको वीडीपी को स्क्रीन को पावर दे रहा है। ओके, अभी आउटडोर का कनेक्शन देखते हैं। तो ये अपना आउटडोर है, आउटडोर में लिखा हुआ आएगा बैक साइड पे D1 D2, ठीक है। तो D1 को पॉजिटिव, मतलब कि मेरा ऑरेंज कलर का कनेक्शन दिया है और D2 को मैंने मेरा ब्लू कलर का कनेक्शन दिया हुआ है। ओके, तो अभी वो मेरा स्क्रीन के अंदर आएगा और स्क्रीन के अंदर भी सेम नोटेशन है, D1 और D2। आप देख सकते हो ये D1 लिखा हुआ है और ये D2 लिखा है। तो D1 में आपको ऑरेंज देना है और D2 में आपको ब्लू देना है, ठीक है। ये आपका VDP, नॉर्मल VDP कनेक्शन हुआ। ओके, अभी नॉर्मल VDP से आगे बढ़ते तो डिजिटल डोर लॉक के साथ कनेक्टिविटी करना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी रहेगा आपका पैनासोनिक का रिले सर्किट। ओके, फिर आपको एपिक लॉक के लिए आपको एपिक का मॉड्यूलर लेना रहेगा और उसका चिपसेट लेना रहेगा, ठीक है। तो उसका कनेक्शन आपको दिखाते, तभी आपको वीडियो डोर फोन से आपको R1 और R2 कनेक्शन लेना है, R1 और R2 कनेक्शन लेना है आपको, जो कनेक्शन आपके पैनासोनिक का रिले के अंदर देना है R1 और R2 में, ठीक है। उसके आउटपुट में आपको ये ओपन करना है, ये ओपन करोगे तो यहाँ पे नोटेशन लिखा हुआ आएगा S1 और S2, S1 और S2 लिखा हुआ आएगा, जो आपके मॉड्यूलर के ट्रिगरिंग पोर्ट में जाएगा। ट्रिगरिंग पोर्ट आपका मॉड्यूलर में रहेगा और ट्रिगरिंग पोर्ट रहेगा आपका येल्लो और ब्राउन। तो आप देख सकते हो ये अपना येल्लो है और ये वाला ब्राउन है, ठीक है। तो येल्लो और ब्राउन ट्रिगरिंग के लिए दिया है और मॉड्यूलर को अलग से आपको पावर देना है। ये जो आपका मॉड्यूलर है उसको अलग से 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देना है, 12 वोल्ट 1 एम्पियर, जो अपना ये रहा, ठीक है। तो वो आपको कनेक्शन, आपको पावर कैसे देना है वो बताते। पॉजिटिव है उसको रेड में देना है और नेगेटिव जो है वो आपको ब्लू में देना है। ये ध्यान रहे आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए रेड है और नेगेटिव के लिए ब्लू है, ठीक है। ये हो गया आपका सारा कनेक्टिविटी। अभी मैं पावर ऑन करता हूँ, देखिए ये पावर ऑन हो चुका है। अब आपको एपिक लॉक के साथ अपना वीडियो डोर फोन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करना है, कैसे प्रोग्रामिंग करना है उसका देखते हैं। तो आपको एपिक 8000L लॉक है ये, ठीक है। तो आपको बैक साइड से आपका बैटरी कवर ओपन करना है। बैटरी कवर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको रजिस्टर बटन दिखेगा, तो वो आपको प्रेस करना है 1 टाइम। ओके, ये प्रेस किया मैंने, आपको आगे कोड डालना है, आपका जो कोड हो 1234 स्टार, फिर आपको
मॉड्यूलर का बटन प्रेस करना है। मॉड्यूलर का बटन प्रेस करते ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और 10 साइन होगा, आपको स्टार प्रेस करना है, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग। अब देखते हैं कैसे ऑपरेटिंग हो रहा है ये लॉ। तो जस्ट आपका ये यहाँ से बेल बजा, ओके, ये बेल बजा आपका। अभी आप टॉक करोगे, हेलो हेलो, ओके, ये फर्स्ट वाला बटन आपको प्रेस करना है। ये जैसे आप प्रेस करोगे आपका लॉक ओपन हो जाएगा और ये आपको ऑफ कर दिया। ठीक है, अगेन आपने वापस देखते कॉल रिसीव देन